तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं डेटा समराइजेशन में हम बात करेंगे समिफ के बारे में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे समिफ के बारे में और समिफ से रिलेटेड हम आपको कुछ होमवर्क भी देंगे। रिकॉर्डिंग का परमिशन दे दीजिए। दे दिया सर मैंने। एक फाइल मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। तो जैसे कि आपके सामने मेरे पास एक डेटा है, मैं एक डेटा को देखता हूं। डेटा है आपके सामने। अब इस डेटा अब डेटा आपके सामने है और मुझे इस डेटा के ऊपर मान लीजिए कुछ सम करना है। जैसे मान लीजिए मुझे इसके ऊपर नेम वाइज उनके क्वांटिटी का टोटल चाहिए, ठीक है? मुझे नेम वाइज इसकी क्वांटिटी का टोटल चाहिए, तो क्या करेंगे इसके लिए? तो इसके लिए हम इसको जनरली, जैसे कि अगर आप एक्सेल यूज करते हैं तो जनरली हम पिवट इस्तेमाल करते हैं, तो हम पिवट टेबल में जाएंगे और इसका टोटल निकाल सकते हैं कि भाई नेम वाइज क्वांटिटी का टोटल क्या है, आ जाएगा। लेकिन मुझे इसी नेम के हिसाब से टोटल चाहिए बाया फॉर्मूला, क्योंकि इसलिए इसको हम डेटा समराइजेशन फॉर्मूला कहते हैं कि जो समराइजेशन हम पिवट के जरिए करते हैं सेम चीज हम यहां पे करना चाहते हैं। एक सेकंड कीजिएगा। हमारी क्लासेज ऑनलाइन होती है रिमोट शेयरिंग सिस्टम से, जो कि आप अपने घर पे ले सकते हैं, लाइव इंटरैक्टिव वन टू वन। नहीं सर, हम लोग वर्किंग प्रोफेशनल है, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, इसलिए क्लासेज ऑनलाइन देते हैं सर। ऑनलाइन लाइव होता है सर, कोई रिकॉर्डेड नहीं होता है। एक ऐप के जरिए जैसे कि एनीडेक्स हो गया, जूम हो गया, गोटूमीट हो गया, ऐसे ऐप के जरिए हम आपके साथ कनेक्ट होंगे। लाइव क्वेश्चन होगा, ऐसे में आपको 3 से 4 डेमो क्लास देंगे। आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएं और डेमो क्लास का फॉर्म भर दें। एक दो क्लास डेमो क्लास लें, अगर अच्छा लगे तो फिर आगे बातचीत बारे जो भी बातचीत कर लेंगे। सामान्य कहते हैं लाइव है हमारा, लाइव और इंटरेक्टिव है, मतलब कि क्लासेस में मैं खुद बैठूंगा और आप भी बैठेंगे, हम दोनों आपस में इंटरेक्ट होंगे। जैसे फोन देखा से इंटरेक्ट है, ऐसे हेडफोन से इंटरेक्ट रहेंगे सॉफ्टवेयर के थ्रू। अलग अलग कोर्सेज की अलग अलग फीस है, तो आप अपनी वेबसाइट iptindia.com पे जाए, वो अपने अकॉर्डिंग कोर्स को सिलेक्ट करें, उसके बाद आप डिसाइड कर दें। एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल जो कि 2 महीने का कोर्स है, इसकी फीस आपको पड़ेगी 7500। हाँ, एक्सेल और एक्सेल फॉर्मूला नहीं, वो तो सर एमएस ऑफिस में जाता है। आपने एडवांस एक्सेल की इंक्वायरी किया है। देखिए एमए ऑफिस अगर करते हैं तो उसमें आपका एडवांस नहीं होगा, इंटरमीडिएट लेवल होगा। फिर 6000 का पैकेज है जिसमें आपको वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस, आउटलुक सारा आता है, लेकिन इंटरमीडिएट लेवल होता है, एडवांस लेवल नहीं होता। नहीं, एडवांस में सिर्फ हमारे पास एक्सेल है, भी एक्सेल है, एमआईएस है। सॉरी सर, मैं आपका 2 मिनट बर्बाद कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा है
और मुझे इस डेटा में यहां से टोटल निकालना है, किसकी, क्वांटिटी, जिसको हमने, जिसके लिए हमने पिवट का इस्तेमाल किया था। बट पिवट का इस्तेमाल मैं नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे रियल टाइम अपडेशन चाहिए। तो उस केस में हम यहां पे सम इस्तेमाल करेंगे। और सम इफ क्यों कर रहे हैं, देखिए मेरे पास दो फॉर्मूले हैं, सम इफ और सम इफ्स। बट हम सम इफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास एक ही कंडीशन है कि मुझे पूजा का टोटल चाहिए। तो हमने यहां पे इसको सेलेक्ट किया और हमने पूजा को सेलेक्ट किया, मतलब पहले क्राइटेरिया, मतलब कि किस में मैच करना है, क्या मैच करना है और टोटल क्या है, वो आप यहां पे डाल दीजिए, आ गया। और फिर इसको नीचे तक ड्रैग कर सकते हैं। आप बोलोगे तो मैं इसको दोबारा बना लगा के दिखाता हूं। मैंने यहां पे क्या किया, इक्वल सम इफ, हमने रेंज को लिया, कॉमा क्राइटेरिया लिया और हमने यहां पे ले लिया क्वांटिटी। इस तरह से हम इसका टोटल निकालते हैं। तो रजनीकांत जी, आपको समझ में आया सम इफ का टोटल? हेलो, जी ओके। तो ये हमारा सम इफ का टोटल है। बट इसमें और भी चीजें हैं, जैसे कि मुझे यहां पे चाहिए, मुझे मुझे चाहिए टोटल चाहिए कि भाई एमआरपी 45 से बड़ा एमआरपी कौन कौन है, कि का सम क्वांटिटी कितना है। मुझे टोटल करना है ऐसे लोगों का जिसकी एमआरपी 45 से ऊपर है। तो उस केस में भी हम सम इफ का इस्तेमाल करेंगे, सम इफ। और सिंपल हम इसको यहां से एमआरपी को सेलेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया इसको सेलेक्ट करेंगे और क्राइटेरिया रेंज को सेलेक्ट कर देंगे। ओके, आप चाहो तो इसी में आप इन्वर्टेड कॉमा लगा के इसी में आप लिख भी सकते हो ग्रेटर देन 45, या फिर कॉन्केट इस्तेमाल करके इसको आपस में ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके सर, जैसे सम इफ हमने इस्तेमाल किया, वैसे और भी चीजें हैं तो उसके बारे में बाद में चलते हैं। पहले हम आते हैं कि जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन होगा तब क्या करेंगे। जैसे मुझे नीरज और न्यू दिल्ली में चाहिए, नीरज का टोटल न्यू दिल्ली में चाहिए, या फिर मुझे ग्रेटर देन 85 से टू 95 का टोटल चाहिए, ऐसे मल्टीपल कंडीशंस। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सम इफ्स का फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, सम इफ्स का फॉर्मूला मल्टीपल कंडीशन के लिए इफ्स, और इफ्स का लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। रेंज मतलब कि कोई पर्टिकुलर रेंज जिसका आपका टोटल करना है। फिर बात करता है क्राइटेरिया वन मैच की, पहली क्राइटेरिया कहाँ मैच करनी, तो हमने बोला पहली क्राइटेरिया मैच करनी एक कॉलर में। क्राइटेरिया क्या है, तो नीरज है। दूसरी क्राइटेरिया क्या है, तो ये हमारा सिटी है। और दूसरी क्राइटेरिया क्या है, न्यू दिल्ली है। इसी तरह तीसरी चौथी पांचवी करते जाइए और यहाँ आपका आपका टोटल आ जाएगा। और जैसे आपने यहाँ पे इसको करना है तो इसको भी आप कर सकते हैं कि सम इफ्स, और हमने यहाँ पे ले लिया रेंज, मुझे क्वांटिटी का टोटल चाहिए, और पहली क्राइटेरिया है कि भाई ग्रेटर देन, ग्रेटर देन आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 45। और फिर हमने दूसरी क्राइटेरिया यहां पे लिया और हमने बोल दिया कि लेस देन इक्वल टू 85, नहीं 80 था नंबर, 95 था, हमने ध्यान नहीं दिया था उस पर। सीसी नहीं होगा, डी डी, सी का टोटल चाहिए, डी में ग्रेटर देन इक्वल टू 80 और लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे कॉमा करना है।
तो आप सम इफ क्यू फॉर्मूले में ये सारे कंडीशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहां पे रवि कुमार है, रवि सिंह है, तो आप दोनों का टोटल चाहते हैं, तो यहां पे लाइक कमांड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो सम इफ हो चाहे सम इफ हो। जैसे हमने यहां पे इसको सिलेक्ट किया और हमने इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम इसका टोटल यहां से लेते हैं। अब मैं यहां पे स्टार अगर दोनों तरफ लगाते हैं तो रवि और रवि कुमार दोनों का टोटल ले रहा है, अगर स्टार हटा देते हैं सिर्फ रवि का टोटल लेता है। तो स्टार रवि अगर मैंने लिखा तो ये हो गया एन बीत, रवि स्टार लिखा तो हो गया स्टार्ट बीत, दोनों तरफ हमने लगा दिया तो ये हो गया एन कंटेन। ये फैसिलिटी आप इस पे भी कर सकते हैं। सम इफ के बाद या सम इफ्स के बाद एक और फॉर्मूला होता है, वो आता है एवरेज इफ। तो एवरेज इफ जस्ट लाइक अ सम इफ, जैसे सम इफ लगाते हो उसी तरीके से हम एवरेज इफ लगाते हैं, वो आपको एवरेज देता है कि भाई पर्टिकुलर कॉलम को कंडीशंस के बिहाव पे एवरेज किया है, एवरेज इफ। और ऐसे ही आपका एवरेज इफ्स है, जो चीज एवरेज इफ में है वही आपको एवरेज इफ्स में भी है। सेम फॉर्मूला, बस रिजल्ट अलग अलग है। ठीक है सर, लगाने का तरीका वही है कि पहले आप एवरेज ले लीजिए, फिर क्राइटेरिया वन रेंज, फिर क्राइटेरिया वन, देन क्राइटेरिया टू रेंज एंड क्राइटेरिया टू, और आपको यहां पे एवरेज दिख जाएगा। और एवरेज इफ में भी, एवरेज इफ में भी ये सारी चीजें कर सकते। उसके बाद अगला आता है हमारा काउंट इफ का फॉर्मूला। जी हाँ, काउंट इफ। तो काउंट कई फॉर्मूले हैं, सबसे पहले एक फॉर्मूला है काउंट, जो कि नंबर को काउंट करता है टेक्स्ट को नहीं। जैसे मैंने मान लीजिए कि इसमें सेलेक्ट कर लिया तो अब काउंट दिया सेवन, अगर कोई स्पेस दे दिए, कोई ऐसा टेक्स्ट लिख दिया तो ये आपका सिक्स हो जाएगा, क्योंकि वो नंबर्स को काउंट नहीं करता, इसे नंबर को काउंट करता है टेक्स्ट को काउंट नहीं करता है। फिर इसमें आता है आपका काउंट ए, काउंट ए इट मींस काउंट ऑल। तो हमने सिलेक्ट किया और नंबर टेक्स्ट ब्लैंक छोड़कर सबको काउंट करता है। अगर ब्लैंक काउंट करना है तो हमारे पास काउंट ब्लैंक का ऑप्शन है। तो ये तो तीन फॉर्मूले हैं जो कि फिक्स लेंथ में, जिसके अलावा कंडीशनल काउंट चाहिए तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है काउंट इफ का, जो कि मैं इसको इसके बारे में आपको बता ही चुका हूं। और इस काउंट इफ में भी ये सारे चीजें कर सकते हैं, बट मल्टीपल कंडीशंस हो तो हमारे पास काउंट इफ्स होते हैं, और काउंट इफ्स में भी वो सारी चीजें कर सकते हैं जो आप बाकी चीजों सम इफ्स और एवरेज इफ में आपने किया है। क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया टू एंड क्राइटेरिया टू, ये आपके पास रिजल्ट है। ओके सर, समझ में आ गया आप लोगों को? जी बिल्कुल। कोई डाउट इसमें? नो डाउट्स। तो आपके पास एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, ठीक है? देखिए आपके सामने डेटा है, लेकिन क्वेश्चन से पहले यहाँ पे देख लीजिए। जैसे कि मैंने बोला कि मुझे अगर जनवरी का टोटल चाहिए तो कैसे होगा, समझे? इसमें मुझे, मेरा डेट वाइज डेटा है और मुझे यहाँ पे जैन का टोटल चाहिए, ये देख लीजिए, ये आई थिंक नहीं होगा। तो मैंने क्या किया कि जैन से हमने डेट बनाया कि वन डैश, हमने जैन को सिलेक्ट किया 2017 या फिर 2000, ईयर जरा ईयर दे दीजिए, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ ना, पूरा डेट आ जाएगा हमारा, ये अपने आप चेंज हो गया सारा। तो ये हमने कंबाइन किया तो मुझे डेट आ गया। अब मैं यहाँ पे ईओ मंथ का फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे इस महीने का
लास्ट डेट पता चल जाएगा। लेकिन जो डेट है ये डेट है नहीं, इस पे आप प्लस जीरो या मल्टीप्लाई वन कर रहे तो आपका डेट में कन्वर्ट हो जाएगा, दो डेट आ गए। तो हमने मंथ के एक वर्ड से, मंथ का वर्ड से हमने स्टार्ट डेट और एंड डेट निकाल लिया। अब मैं यहां पे सम इफ्स का फॉर्मूला लगाऊंगा कि सम इफ्स, हमने बोला कि हमारा सम रेंज है क्वांटिटी और पहली क्राइटेरिया रेंज है ए और क्राइटेरिया है इज द ग्रेटर देन इक्वल टू और डेट, हमने डेट को कंबाइन कर दिया। अब यहां पे मैं वापस हम इसको सेलेक्ट करते हैं डेट को और यहां पे हो जाएगा लेस देन इक्वल टू और इसके साथ हमने कंबाइन कर दिया एंड डेट को, तो ये आपका जैन का टोटल दिख गया और यहां पे आपको फैब का टोटल मार्क्स। अब इसी कंसेप्ट को लेते हुए आप समरी में जाएं, मुझे इस चार क्वेश्चन का जवाब दें। पहला क्वेश्चन कि मैं यहाँ पे सिटी नेम, सिटी और ईयर सिलेक्ट करूं तो मुझे यहाँ पे मंथली रिपोर्ट आ जाए, ये मान लीजिए 2019 का है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे जैन, यहाँ पे एक डेट है कि जैन से जुलाई किस ईयर का, तो 2019 का, तो मुझे जैन से जुलाई का टोटल सिटी वाइज आ जाए। मैं यहाँ पे अगर ईयर डाला 2019 तो मुझे इसकी क्वार्टरली रिपोर्ट, क्वार्टरली टोटल आ जाए और मैं यहाँ पे 2019 और मंथ जैन डाला तो मुझे यहाँ पे इसकी वीकली रिपोर्ट आ जाए। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, मैं आपको मेल कर देता हूं और आपको इसको बना के देना है मुझे, वो भी अभी। और रेशियो डाउट है, क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं अभी आप लोग। ठीक है, इसको बनाइए आप लोग।